फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ड्रामेटिक आयरनी। ड्रामेटिक आयरनी क्या होती है? इट इन्वॉल्व्स अ सिचुएशन इन अ प्ले और अ नैरेटिव इन विच द ऑडियंस और रीडर शेयर्स विद द ऑथर नॉलेज ऑफ प्रेजेंट और फ्यूचर। लेट्स सपोज कोई प्ले है, उसके अंदर कोई जो करेक्टर्स हैं उन्हें तो पता नहीं है कि प्रेजेंट और फ्यूचर में क्या होने वाला है, लेकिन जो राइटर है उस प्ले का उसे पता है क्योंकि उसने लिखा है उस प्ले को। साथ में जो ऑडियंस और रीडर है उसको भी पता है कि प्रेजेंट और फ्यूचर में क्या होने वाला है, उसको प्रेजेंट और फ्यूचर की पूरी नॉलेज है, ऑडियंस को भी। तो जब इस तरह की सिचुएशन होती है इस तरह, तो उसको बोलते हैं हम ड्रामेटिक आयरनी। मतलब जो प्ले है उसके अंदर जो घटना घटने वाली है या घटना घट रही है उसकी नॉलेज ऑथर जिसने उसको लिखा उसको है, जो ऑडियंस और रीडर उसको देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं उसको है, लेकिन जो करेक्टर उसके अंदर इन्वॉल्व हैं उनको कुछ पता नहीं है, वो उस चीज से बिल्कुल इग्नोरेंट है उस सिचुएशन से। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें किसी मूवी के अंदर किसी का एक्सीडेंट, कोई क्रिमिनल एक्सीडेंट करने वाला है, ट्रक से कार का एक्सीडेंट करने वाला है, जो हमारा हीरो है वो तो कार के अंदर बैठा है और ट्रक दूर से भागता, मतलब ट्रक चलता हुआ आ रहा है दूर से और उसको एक विलेन चलाता हुआ आ रहा है। हीरो तो अपने आराम से गाना गाते हुए चल रहा है, मस्त कार चलाता हुआ, उसे पता भी नहीं है अंदर नहीं कि ट्रक इसको टक्कर देने वाला है। तो जिसने वो मूवी लिखी है राइटर है उसे पता है कि जब ये हीरो इस कार में बैठकर गाना गाते हुए जा रहा होगा तब इस विलेन इस ट्रक से इसका एक्सीडेंट कर देगा। और साथ में ही हमें भी जो रीडर्स हैं, ऑडियंस है, उन्हें भी वो सिचुएशन सामने नजर आ रही है कि इधर से गाड़ी आ रही है, इधर से ट्रक आ रहा है ना। तो ऑडियंस को भी लग रहा है कि यार ये एक्सीडेंट होगा, ऑडियंस को भी पता है, लेकिन जो करेक्टर है मूवी के अंदर जो हीरो है जो कार चला रहा है उसे नहीं पता। इस तरह की सिचुएशन को हम कहते हैं ड्रामेटिक आयरनी। और हमें पता होता है कि अगर वो कार को घुमा लेगा तो एक्सीडेंट से बच जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता और करेक्टर उस ट्रक से जाकर टकरा जाता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। द करेक्टर अनोइंगली एक्ट्स इन अ वे वी रिकॉग्नाइज टू बी ग्रॉसली इनअप्रोप्रिएट टू द एक्चुअल सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स भी दिए गए हैं, जैसे सोफोकल्स ने इडिपस लिखा है, वो इसका एक ट्रेजिक आयरनी का काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। और ड्रामेटिक आयरनी का अगर हम कॉमिक एग्जांपल लें तो शेक्सपियर की जो 12th Night है उसमें ड्रामेटिक आयरनी है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये ड्रामेटिक आयरनी का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।